विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि महिलाओं और बच्चियों के साथ यौन अपराध पर न्याय करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मंजूरी कैबिनेट से मिली है। उन्होंने बताया कि इससे पीड़िता को त्वरित न्याय मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने समग्र शिक्षा योजना विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना का विस्तार 1 अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा को और बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाने में मदद मिलेगी। जो रेप के केसेस होते हैं उसमें जल्द न्याय मिल सके, उसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, इसको लेकर जो आज अप्रूवल दी है उस योजना को कंटिन्यू करने के लिए, इसमें लगभग 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स चलते रहेंगे, जिसमें से 1023 समेत इसमें पॉस्को कोर्ट्स स्पेशली 389 कोर्ट्स हैं। वो इस योजना को लॉन्च 2019 में जब किया गया था तब इसी मानसिकता के साथ, इसी सोच के साथ कि जो शिकार बच्चियां होती हैं या महिलाएं होती हैं, कोई रेप विक्टिम होती हैं, इस यौन अपराध के शिकार बच्चियों को जल्द न्याय मिल सके, तीव्र न्याय मिले,